हेलो गाइस, मैं हूं अंकित शर्मा। आज हम डाइट पिरामिड बना रहे हैं। आप भी वीडियो पूरा देखें और बनाना सीखें। आप अपने स्कूल में कोई भी प्रोजेक्ट या डाइट फूड के ऊपर अगर आपका कोई कंपटीशन हो तो आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से ये ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है, फिर उसमें हम बराबर के तीन पार्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। एक, ये दूसरा बॉक्स बन गया, दो, और ये तीसरा बॉक्स, और एक सबसे ऊपर रह जाएगा, चार बॉक्स बन जाएंगे। अब नीचे वाले में सबसे पहले गेहूं बनाएंगे। बैलेंस डाइट के चार्ट में एक तो गेहूं आता है, तो ये गेहूं बनाने का सिंपल सा तरीका। इस प्रकार से ये हम गेहूं की फली बना देंगे। ये गेहूं की फली तैयार हो गई। इसमें थोड़ा सा इसका लीफ भी बना दिया मैं। और अब इसके बाद ये चीज़ बर्गर बनाएंगे, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी यूज़ होती है। ये ग्रीन वेजिटेबल्स निकल रही है, तो इस प्रकार से ये बर्गर बन गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जगह बची हुई है, तो यहाँ ये ब्रेड बना देंगे, ब्राउन ब्रेड, कुछ इस प्रकार से होती है ब्रेड। ब्रेड के बाद हम ये नूडल्स बना देंगे, जो एक प्लेट में है। नूडल्स बनाने का सिंपल तरीका देखिए किस प्रकार से, ये नूडल्स से भरी हुई प्लेट हम बनाएंगे। तो पहले कॉलम में ये चार फूड आ चुके हैं। अब सेकंड वाले कॉलम के दो पार्ट कर लेते हैं हम इस प्रकार से, और थर्ड वाले के भी दो पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैं गाजर बना रहा हूँ, जो कि बहुत पौष्टिक होती है हमारी बॉडी के लिए। तो ये मैंने गाजर बनाई। उसके बाद ये मैंगो बनाएंगे। मैंगो की ड्राइंग करने का सिंपल तरीका है। मैंगो के बाद ये ऑरेंज बनाएंगे। उसके बाद ये टमाटर बनाएंगे यहाँ पर, जो भी बहुत पौष्टिक होता है हमारी बॉडी के लिए। ये बनाना बनाएंगे, जो फेट बढ़ाने में, वेट गेन करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ये छिला हुआ, आधा छिला हुआ बनाना मैंने बना दिया है। अब हम ये फूल गोभी बनाएंगे। इस प्रकार से फूल गोभी बना सकते हैं सिंपल तरीके से। फूल गोभी बनाने के बाद ये हम भिंडी बनाएंगे। ऐसी होती है भिंडी, लेडी फिंगर। इतना करने के बाद थर्ड वाले कॉलम के फर्स्ट पार्ट में हम फिश बनाएंगे, मछली, इस प्रकार से।
बनती है मछली। उसके बाद ये चिकन, मछली के बाद चिकन, जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए ओनली। ये एग, उसके बाद इसमें बनाएंगे हम मिल्क। ये मिल्क की बोतल है। कभी भी आप दूध को चित्र में दर्शाएंगे तो बोतल बनाएंगे और उसको वाइट कलर में रखेंगे। ये है लास्ट वाला कॉलम, इसमें हम ये घी बनाया, मैंने घी का डिब्बा है और नीचे हम इसमें दही बनाएंगे। इस प्रकार से एक कटोरा, और कटोरा में से झलकती हुई दही, दही को बनाने का ये सिंपल तरीका। इसको भी वाइट रखा जाता है। ये ब्रेड में थोड़े से होल्स रहते हैं, वो हम बना देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा बैलेंस डाइट का चित्र बन गया। दूध का ग्लास भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये डाइट पिरामिड बन गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।